हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं 3M इंडिया के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग इसके फुल फंडामेंटल और टेक्निकल को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 3M इंडिया किस प्रकार का शेयर है, इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस किस प्रकार के हैं और इसने अभी तक अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिया है। और चूंकि ये अपना Q1 का रिजल्ट लेकर के आई है तो इसके Q1 के रिजल्ट कैसे रहे उस पर भी चर्चा होगी, और इसके पास्ट के रिजल्ट कैसे रहे एनुअल उस पर भी चर्चा होगी, और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम लोग चेक करेंगे, और फाइनली वीडियो के लास्ट में हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार आने वाले दिनों में 3M इंडिया के शेयर भाव में किस प्रकार के परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 3M इंडिया के प्राइस को देखते हैं कि ये किस प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, 3M इंडिया 20,892 रुपए पर क्लोजिंग दिया है, और इसमें लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है। लगभग 938 रुपए का इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये गिरावट क्यों आई है। तो कहीं ना कहीं इसके Q1 के रिजल्ट का असर इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है, ये हम लोग बाद में एनालाइज करेंगे। उसके पहले दोस्तों हम लोग इसके रिटर्न को देख लेते हैं कि 3M इंडिया अभी तक अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दी है। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि 3M इंडिया पिछले एक सप्ताह में लगभग 3% का निगेटिव रिटर्न दिए, पिछले एक महीना में 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिए है, जनवरी से अभी तक ये 2% का निगेटिव रिटर्न दिए है, पिछले एक साल में ये लगभग सेम पोजीशन पर बना हुआ है, और पिछले 3 साल में ये लगभग 51% का पॉजिटिव रिटर्न दिए, पिछले 5 साल में 108% का पॉजिटिव रिटर्न दिए, पिछले 10 साल में 517% का पॉजिटिव रिटर्न दी, यानी कि पिछले 10 साल में ये स्टॉक अपने निवेशकों का पैसा 6 times करने में सफल रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 3M इंडिया के जो रिटर्न है अपने निवेशकों के लिए तो लंबे समय में काफी अच्छा ये रिटर्न दी है, 6 गुने का रिटर्न दी है। तो इस रिटर्न को हम लोग दोस्तों अच्छा मानते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को चेक कर लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू किस प्रकार के हैं। हालांकि रिटर्न पैरामीटर पर तो ये कंपनी ठीक ठाक लग रही है, अब इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। CM इंडिया का मार्केट कैप लगभग 23,500 करोड़ रुपये है, यानी कि ये लार्ज कैप ग्रुप में आती है, और अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 20.24% है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 27% के आसपास है, जो कि और भी बेहतरीन है, और अगर हम लोग इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 65.88 times है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और डेट इक्विटी की बात करें तो ये 0.02 है, यानी ये कंपनी डेट फ्री है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स में 75% होल्ड किए हुए हैं, और इस स्टॉक का 52-week हाई 25,208 रुपये है, और अभी वर्तमान में यह 20,904 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसने अपना Q1 का रिजल्ट दे दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू सारे पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं, और उससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बड़े निवेशकों का 3M इंडिया में किस प्रकार का व्यूज है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि 3M इंडिया में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% बनी हुई है, और अगर FIs के स्टैक की बात करें तो FIs जून 2018 में लगभग 9% का इसमें स्टैक होल्ड करते थे, जो कि लगातार इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है, और वर्तमान में जून 2020 क्वार्टर में मात्र 3.3% स्टैक होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों FIs 3M इंडिया में बेयरिश होते हुए दिख रहे हैं, और अगर हम लोग DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग जून 2018 में 2% हुआ करती थी,
जो कि लगातार बढ़ते हुए दिख रही है, और अभी वर्तमान में जून 2020 में ये लगभग 5% के आसपास इनका स्टैक देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार इसमें डीआईआई बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये पा रहे हैं कि एक तरफ एफआई इस स्टॉक में बेयरिश होते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तरफ डीआईआई इसमें बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 3M इंडिया के फिनेंशियल ओवरव्यू काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर एफआईज बेयरिश हैं और डीआईआईज बुलिश हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर अपना स्टैंस इस स्टॉक में किस प्रकार से रखें, वो एफआईज के साथ जाएं या डीआईज के साथ जाएं। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों को इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा डीपली चेक करना पड़ेगा, इनके रिजल्ट को एनुअली और क्वार्टरली भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके रिजल्ट को चेक करते हैं। सबसे पहले इनके एनुअल रिजल्ट को चेक करते हैं कि इनका एनुअल रिजल्ट किस प्रकार का रहा है। थ्रीएम इंडिया के एनुअल रिजल्ट स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि FY18 में 3M इंडिया 2710 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि मार्च 2019 में बढ़कर के 317 करोड़ हो गया। इस प्रकार से FY18 के रिस्पेक्ट में FY19 में हम लोगों को पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। FY20 में सेल्स घटकर के 2987 करोड़ का हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग FY19 के रिस्पेक्ट में FY20 में निगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं। इन दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि FY20 में कोविड का इफेक्ट है, इस वजह से इनके सेल्स डाउन हुए हैं। और अगर सेम पीरियड में दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि FY18 में 3M इंडिया का 333 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था, जो कि FY19 में बढ़ करके 366 करोड़ का हो गया। तो हम लोग FY18 से FY19 में इनका जो नेट प्रॉफिट है इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं। और अगर FY20 की बात करें तो FY20 में 322 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि FY19 के रेस्पेक्ट में FY20 में इनका पॉजिटिव सॉरी निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसके कारण जो है कोविड के लॉकडाउन रहे हैं, तो इसमें कंपनी का कोई इसमें रोल नहीं है। तो जब भी कोविड का सिनारियो खत्म होगा या कम होगा तो इनके सेल्स में और नेट प्रॉफिट में दोबारा उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इनके जो एनुअल रिजल्ट रहे हैं वो काफी बेहतरीन रहे हैं, और इनका ईपीएस भी देखा जाए इनका ईपीएस भी काफी बेहतरीन मिल रहा है देखने को। तो हम लोग ये मान सकते हैं दोस्तों कि इनके जो एनुअल रिजल्ट रहे हैं FY20 के, उसमें कोविड की मार पड़ी है। अब दोस्तों इस शेयर में जैसा कि अभी हम लोगों ने तेज गिरावट देखी है, तो उसके कारण को भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसके कारण क्या है। तो एनुअल बेसिस पर ये कंपनी ठीक ठाक लग रही है। अब क्वार्टरली बेसिस पर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी किस प्रकार का रिजल्ट लेकर के आई है। मार्च क्वार्टर में दोस्तों 3M इंडिया 673 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि जून क्वार्टर में घट करके 346 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को इनके रिवेन्यू में लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 48% का डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बड़ा डिग्रोथ है। अगर सेम पीरियड में दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में इन्होंने 60 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि जून क्वार्टर में इन्होंने 43 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो इस प्रकार से इनके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये लगभग 29% का है। तो यहाँ पर हम लोगों को इनके नेट प्रॉफिट में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मिलाएं तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में इनका जो सेल्स था 804 करोड़ का हुआ करता था, जो कि घट करके
इस बार 346 करोड़ का रह गया। तो हम लोग देख रहे हैं जून 19 क्वार्टर से जून 20 क्वार्टर में इनका जो डिग्रोथ देखने को मिला है रिवेन्यू में, वो लगभग 56% का निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इनके सेल्स में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है कोविड सिनारियों के चलते। और दोस्तों अगर हम लोग सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 19 क्वार्टर में इन्होंने 90 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि जून 2020 में ये 43 करोड़ का लॉस बुक किए। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जून क्वार्टर में इनका लगभग नेट प्रॉफिट में 52% का निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि कोविड की मार 3M इंडिया पर काफ़ी भारी पड़ रही है। यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अब लॉस बुक कर ली है, क्योंकि ये कंपनी ऐसे तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। इनके सेट ऑफ नंबर्स एनुअल बेसिस पर काफ़ी तगड़े रहे हैं, और अगर हम लोग इसके बाकी के भी क्वार्टर के सेट ऑफ नंबर्स देखें तो यहाँ पर ये काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद ये कंपनी कोविड के चलते लॉस बुक कर रही है, इस वजह से दोस्तों इसके शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब भी ये कंपनी इस स्थिति से उभरेगी तो ये काफ़ी तगड़ा रनअप देखने का इसमें मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इसके इंटरेस्ट बर्डन को देखें तो इनका इंटरेस्ट बर्डन लगभग नेग्लिजिबल है, ये कंपनी डेट फ्री है। तो इस परिस्थिति से लड़ने के लिए ये कंपनी पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि ये इस पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। तब जब भी सिचुएशन सुधरेंगे तो इस कंपनी में काफ़ी तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों इसके चार्ट को देख करके हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस शेयर में अगर गिरावट होती है तो किस लेवल तक गिरावट देखने को मिल सकती है, और क्या इसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं 3M इंडिया के, और ये 2903 पर क्लोजिंग दिया है। और अगर हम लोग इस चार्ट को गौर से देखें तो इसका जो स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है लगभग 19,326 रुपये पर इनका स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अब चूंकि इसके रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो हम लोग आने वाले दिनों में इस शेयर को 19,326 के लेवल पर जाता हुआ देख पाएंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इसके खराब रिजल्ट के आधार पर। अगर ये स्टॉक 19,326 के स्तर पर जाता है तो हम लोगों को उस स्तर पर खरीदारी करने का अवसर मिलेगा, और इसमें हम लोग लंबे समय तक के लिए निवेशित हो सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक जैसा कि देख रहे हैं चार्ट में, इसने अभी तक अपने निवेशकों को काफी तगड़ा रिटर्न दिया है कमा करके। तो आगे भी ये कंपनी अच्छा करेगी ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी डेट फ्री है और इसके सारे पैरामीटर्स काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखेंगे कि कब इनका शेयर भाव और गिरता है और अब हम लोगों के बाइंग रेंज में आता है, उस स्थिति का हम लोग फायदा उठाएंगे और इसमें निवेशित होने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने पाया कि 3M इंडिया के फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं। हालांकि FIs के इंस्टेंस इसमें निगेटिव हैं, लेकिन DIs के इंस्टेंस हम पॉजिटिव देखने को मिला है, और हम लोग के हिसाब से भी इनके रिजल्ट काफी बेहतरीन रहे हैं। और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जब कोविड का सिनारियो खत्म होगा तो इस कंपनी के जब बिजनेस वॉल्यूम फिर से दोबारा स्टेबलाइज होंगे तो हम लोगों को इसमें तेज रनअप देखने को मिलेगा। तो इस खराब रिजल्ट के चलते जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसे हम लोग अपॉर्चुनिटी के तरह यूज करें। और अगर ये शेयर जो है जिस तरह हम लोगों ने देखा कि 19,326 के आसपास या उसके नीचे उपलब्ध होता है तो हम लोगों को इसमें निवेश की राय बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे फटाफट लाइक कर लें, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।